हाथरस के असायर में स्थित स्कूल में भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष ने बच्चों को वितरित किए गर्म कपड़े व स्वेटर और जूते। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष था राम जाधव, उनके द्वारा शीतलहर के चलते हाथरस के असायर में स्थित स्कूलों में ठंड से ठिठुरते नौनिहालों को स्वेटर, कपड़े और जूते बांटने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज उनके द्वारा हसायन के श्याम विहार स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को कपड़े, स्वेटर और जूते वितरण किए गए। नए कपड़े और जूते पाकर जहां बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे, वहीं स्कूल संचालकों के द्वारा बगरतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। ठाकुर राम जाधव, जिला अध्यक्ष हाथरस, भारतीय किसान भानु। आज जो कार्यक्रम है भारतीय किसान यूनियन समस्त टीम की तरफ से, ये जो बच्चे हैं जो सर्दी के कारण किसी के पास जो असहाय बच्चे हैं, जिसके पास किसी के पास जूते नहीं है, किसी के पास जैकेट नहीं है, किसी के पास स्वेटर नहीं है, तो उन सभी के लिए पूरी टीम ने यहाँ पर श्याम बिहारी स्कूल हसैन में बच्चों के लिए ये जो सर्दी के सामान जरूरतमंद लोगों को जो दिए, उसमें सभी भारतीय विभानों की टीम का सहयोग रहा है और सभी बच्चों को यहाँ पर आके अपने हाथों से हमने वितरित किए। जय जवान जय किसान, भारतीय जनभानु, वृंदावन।